यार काफ़ी दिनों से कोई व्लॉग नहीं किया। वजह ये थी कि घर पे कुछ काम चल रहे थे और मेंटेनेंस हो रही थी, फिर उसके बाद बारिशें हो गई जिसकी वजह से वो काम रुक गए। तो मुझे थोड़ा सा मौका मिल गया आप लोगों के साथ बातचीत करने का, व्लॉग बनाने का। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज अभी कुछ टाइम पहले, बल्कि मेरे ख्याल से 4-5 दिन पहले मैंने एक लाइव सेशन किया था, और जिसमें लोगों ने मुझसे कहा था कि यार आप गिटार बजा के दिखाएं। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना गिटार प्ले किया जाए, लेकिन उससे पहले कुछ 2-3 काम हैं, वो कुछ ज़रूरी काम हैं, वो करने ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। काफ़ी दिनों से जो है वो डिले हो रहे थे। उस दिन जो लाइव सेशन में जो लोग मेरा रूम देखना चाह रहे थे, तो वो रूम मेरा देख लें भाई। ये है, ये मेरा इक्विपमेंट बैग है। इसको आज मैंने खोल के देखा क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें रखी हुई जो कि मैंने इस्तेमाल भी नहीं की हैं अभी तक। कुछ लेंसेज हैं, बैटरीज हैं, मेरा गोप्रो है, गोप्रो तो खैर व्लॉग में यूज़ होता रहता है, ऑस्मो है, और दूसरी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं की हैं। क्योंकि मेरे लैपटॉप का बैग है, मेरा लैपटॉप ये रहा, ये रखा हुआ है, इस पर मैं एडिट करता हूँ। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, सैनिटाइजर, आप लोग भी इसको यूज़ किया करें, ज़रूरी है। और ये मास्क है मेरा, 1-2 दिन के अंदर अंदर मैं जो है वो एक मास्क को डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि ख़तरनाक हो जाता है उसके बाद। मैंने देखा है अक्सर लोगों को, लोग पहनते हैं, धो धो के पहनते होते हैं सर्जिकल मास्क को, जो कि गलत है, जो कि ख़तरनाक साबित हो सकता है आपके लिए और दूसरों के लिए। तो बराए मेहरबानी अगर आप प्रिकॉशंस ले रहे हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, तो वो सही से लें। क्योंकि मैं अभी दोबारा से जो मैंने ये यूट्यूब का शुरू किया है, मैं हर व्लॉग या हर अपने लाइव सेशन में मैं ये ज़रूर कहता हूँ, क्योंकि ये वबा जो है फैली हुई है, अब जाहिर सी बात है केयर ही कर सकते हैं और कुछ है नहीं। रही बात गिटार की, तो वो हम इस व्लॉग के एंड में कोशिश करेंगे, वरना अगले व्लॉग में तो आ ही जाएगा। आपको पता है मैं कभी झूठ नहीं बोलता। 6:44 हो रहे हैं और अभी जो है मैं जाता हूँ काशिफ के घर पे, कुछ 1-2 चीज़ें उससे डिस्कस करनी है, कुछ काम वाम की बातें करनी हैं। तो अब सीधा मिलते हैं हम काशिफ के घर पे। तो फाइनली काशिफ भाई घर मौजूद हैं। काशिफ भाई घर की जो लाइट है ना, ये वाली, ये रिंग लाइट वाली फील देती है। क्या हाल है काशिफ भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। मैं इनको कब से बोल रहा हूँ कि लाइव आ जाए, ये आते ही नहीं है, टाइम ही नहीं इनके पास लाइव आने का। मैंने अभी बताया था ना व्लॉग में आपको कि घर के काम वाम चल रहे हैं, इस वजह से तो मसरूफियत ज्यादा हो गई है। 1-2 काम थे वो कर लिए, बाकी अब काशिफ भाई घर पर आए। काशिफ भाई चाय का वेट कर रहे हैं। चाय का हम लोग वेट कर रहे हैं भाई, अकेले खा रहे हैं, मुझे नहीं पूछा इन्होंने, पहले खिलाई थी उसके बाद रिस्पॉन्स नहीं दिया। इन्होंने कहा कि आप व्लॉग बनाए, मैं खा लेता हूँ जब तक इतने देर में। सामान लेके जाना है यार घर पे यार। तो हर दफा का सर भाई यही है, हमेशा का इनका यही है, एक काम छोड़ कर आते हैं, कोई अपने उस्ताद बोलते हैं यार वो रह गया, वो तो मुझे करना है आगे जाके अभी। नहीं तो यार मैं ही करूंगा ना, और कौन करेगा यार। अरे क्या है ना, पहले से देकर आया यार वो बताते हैं। अभी यहाँ बैठे हुए थे, आपके सामने फोन आया, उसके बाद मैंने देख रहे, भाई भी देख रहे होंगे, तो भाई ये देखे क्या बोल रहे हैं। हाँ व्लॉग में जब मैं यहाँ बैठा हुआ था, तो उसके बाद फोन आया कि ऐसा आते हुए ये लेते आ जाना। तो हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, कुछ चीजें हमने डिस्कस की, फ्यूचर प्लान, फ्यूचर के हमारे कुछ प्लान थे। और ये देखें, ये हमारा ट्रेडिशनल तरीका है मास्क लगाने का, यहाँ पे लोग लगाते हैं ना मास्क, तो आज मैंने भी इधर लगा लिया है मास्क। देखो सर पे लगा के घूम रहे हैं, इधर लगा के घूम रहे हैं, या एक आपने वो लगाया हुआ है। लोग मुझसे पूछ भी रहे थे वैसे लाइव है ना, मेरे से ही पूछते हैं। मैं 2-3 दफा लाइव सेशन किया तो सब ये पूछ रहे हैं असद भाई नहीं है आज। अच्छा मेरे लाइव सेशन में तुम्हारा पूछ रहे थे यार, लास्ट मैंने कहा भी था कि यार मैं अकेला जो है ना, पता है क्या होता है ये है ना, बंदा कब तक बात करेगा। फेसबुक वाले का बड़ा अच्छा हो गया था मेरे पास, तो वो नीचे जैसे इंस्टाग्राम में डबल नहीं आने लगा, मतलब इनवाइट कर लिया। अच्छा, था अच्छा। इनवाइटेशन मेरे पास चल रहा था लास्ट टाइम मैंने चेक किया था, अब आपके पास भी चलने लगा होगा। यार अगर ऐसा हो जाएगा तो फायदा रहता है, तो हम घर बैठ के भी कर सकते हैं ना। चलो करते हैं इसका भी कोई जुगाड़ उगाड़ लगाते हैं, कोई लाइव सेशन का, कोई किसी किस्म का।
बाकी बहुत सारी चीजें जल्दी आने वाली हैं, तो स्टे ट्यून्ड। स्टे ट्यून्ड, आप रुके रहें, अभी हम लोग चाय पीते हैं जब तक और ज्यादा गपशप करते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ऑन कैमरा डिस्कस करने वाली नहीं होती। हाँ, बाद में जल्दी बताएंगे। वक्त पे आएंगे, वक्त पे जब होगा ना, वक्त जब आएगा, सही वक्त जब आएगा। नहीं आई अभी तक, आ जाएगी। 5 मिनट बना रहे भाई, 5 मिनट की वीडियो शूट कर ली यार, कट कर दे। चलो चलो मिलते हैं घर पे, ठीक है। वेलकम बैक, ये नेक्स्ट डे है और कल मैंने व्लॉग का एंड नहीं किया क्योंकि मैं मसरूफ़ हो गया था, कुछ काम आ गए थे जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिला। आज सुबह जब मैं उठा हूँ सो के, तो मैंने अपने सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे ये न्यूज़ देखी कि पाकिस्तान में यूट्यूब को बैन करने की सजेशन दी गई है। अब यकीनन कोई ना कोई सॉलिड रीजंस होंगे इनके पीछे जिस वजह से पाकिस्तान में यूट्यूब को बैन करने का कहा है। अब इसके ऊपर कब इम्प्लीमेंटेशन होती है ये पता नहीं, कब नोटिफिकेशन इसके ऊपर जो है वो आता है इसका मुझे आइडिया नहीं है। तमाम जितने यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तानी, उनकी वीडियोस देखी हैं, जिसने भी अपलोड की हैं, तो सब यही कह रहे हैं कि यार यूट्यूब को बैन करना कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि यार कोई ऐसा कोई प्रोसेस या कोई ऐसी फिल्ट्रेशन पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई जाए जो इन चीज़ों को मॉनिटर करे। अब देखें, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी हर जगह होती है, गुड और बैड हर जगह होता है, तो बजाय इसके कि पूरा प्लेटफॉर्म बैन करने के, पूरा यूट्यूब बैन करने के, उन चीज़ों को मॉनिटर किया जाए, उन चीज़ों को बैन किया जाए जिसकी वजह से नेगेटिविटी फैलती है। इससे पहले भी पाकिस्तान में यूट्यूब काफ़ी अरसा बैन रहा और आई थिंक 2016 में यूट्यूब को पाकिस्तान में अनबैन किया गया, तो काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर्स और बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स जो है वो यूट्यूब पर आए। और मैं भी काफ़ी लेट मैंने ज्वाइन किया यूट्यूब, लेकिन कर लिया। और अभी रिसेंटली मेरे कुछ बहुत अच्छे जानने वाले दोस्तों ने भी ज्वाइन किया है यूट्यूब। कोई ऐसा प्रोसीजर या ऐसा कोई प्रोसेस या कोई कोई फिल्ट्रेशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई जाए यूट्यूब पाकिस्तान के लिए कि इस तरीके के जो नेगेटिविटी फैलाते हैं जो कॉन्टेंट, वो अपलोड ना हो सकें, और अगर अपलोड हो भी जाएँ तो उसी वक्त जो है वो रिमूव कर दिए जाएं। क्योंकि आप एक कंटेंट क्रिएटर से एक प्लेटफॉर्म ले लेंगे, जो एक प्लेटफॉर्म उसे मिला हुआ है जहां वो अपनी प्रोडक्शन कर रहा है, अपनी वीडियोस बना के अपलोड कर रहे हैं, तो अगर ये प्लेटफॉर्म भी चला जाएगा तो फिर बाद में क्या होगा कि वो लोग कंटेंट क्रिएट करना बंद कर देंगे। इससे ज़्यादा और कुछ हो नहीं सकता। आई होप कि सब कुछ अच्छा हो जाए, बस बाकी सब कुछ आपके सामने है, अब देखते हैं क्या होता है। होपफुली कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, फिर मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।